जी हाँ दोस्तों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, अगर आप महादेव की आस्था करते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको महादेव की वो शक्ति दिखाने वाला हूँ जिनसे दुनिया रूबरू नहीं है। महादेव बस कुछ ही दिनों बाद कोरोना को ख़त्म करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप महादेव की सच्ची आस्था करते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, महादेव जिनके नाम से दुश्मन कांप जाता है। अब दोस्तों बस कुछ ही दिनों में महादेव अपनी तीसरी आंख खोलने वाले हैं और कोरोना का खात्मा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कुछ ऐसे सबूत प्रेरणा प्रमाण मिले हैं जिनसे महादेव साफ दिख रहे हैं कि महादेव अब अपनी तीसरी आंख खोलने वाले हैं। महादेव अपने पूरे रूप में है। जी हाँ दोस्तों, अब महादेव अपने पूरे गुस्से में है। बस कुछ ही दिनों बाद पूरी दुनिया से कोरोना मिटने वाला है। अब महादेव इस दुनिया को खतरे में नहीं डालने वाले हैं। बस दुनिया से कुछ दिनों बाद ये खतरा टल जाएगा। अब महादेव अपनी शक्ति से इस खतरे को बहुत जल्द दूर करने वाले हैं और आपकी जो दुनिया है वो फिर से ही ऐसी हरी भरी हो जाएगी जो आपकी पहले थी। बस कुछ दिनों बाद जो कोरोना है वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के चलते यहाँ पर सारा देश लॉकडाउन है और यहाँ पर अब महादेव अपनी शक्ति से इस कोरोना को दोस्तों मुक्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि एक यहाँ पर ज्योतिष है जिसने साफ कर दिया है कि कोरोना अब इस दिन ख़त्म होने वाला है। महादेव अपना जो भयंकर रूप है वो दिखाने वाले हैं। कोरोना का खात्मा इस महीने तक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब कोरोना की दोस्तों कहर नहीं है क्योंकि महादेव अब अपने पूरे अवतार में आ चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर उस ज्योतिष ने दावा किया है कि महादेव बस कुछ ही दिनों बाद इस कोरोना को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि महादेव की उसने कहा कि महादेव मेरे सपने में आए और इस कोरोना की बात कहकर चले गए। तो दोस्तों, अगर आप भी महादेव की आस्था करते हैं और आप भी चाहते हैं कि वास्तव में ही महादेव की शक्ति से कोरोना खत्म होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।